मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ भाई, हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ जी, हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल और व्यास, इस तीनों पर भर भर के क्वेश्चन बनाए। यहाँ तक कि 12.1 का आपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था। आज उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। हाँ जी, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम और आप दोनों चलेंगे लंबी, मतलब लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले? लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं। हाँ जी भैया, लॉन्ग ड्राइव पे तो चलेंगे। अच्छा, लेकिन पैदल नहीं जाऊँगा मैं तब? अरे भाई, मैं आपके साथ आपकी बसंती से, मतलब बसंती पर बैठ के जाऊँगा। क्यों, ले चलोगे ना? रुको, पहले मैं आपकी बसंती को बना लूँ। हाँ जी, पहले भैया आप मेरी बसंती को बनाइए, उसके बाद हमें जो है वो क्वेश्चन समझाइएगा। चलिए पहले हम लोग बसंती को बनाते। एक प्यारी सी बसंती बनेगी? हाँ, बन जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बन क्या रही है, ये बाइक बनी? अरे समझ लो, ये आपका सीट है, ये हैंडल है इस तरह का। अरे अरे, बन गई ना, रहन दो ना, ये बन गई। ये नवीन की बसंती है। क्या है? या ये आपकी बसंती है? हाँ भैया, ये तो हमारी बसंती है। आप यहाँ बैठिएगा। चलिए हम यहाँ बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए और हम भी पीछे बैठ जाते हैं। अब जो है समझना है, अब आपको समझना है। सपोज आप जो है बाइक अपनी बसंती को किस रफ्तार में चलाते हो भैया? क्या सही बताओ क्या? अरे लिमिट बताओ, क्या पता तुम आपके पिताजी देख ले। लिमिटेशन, 60 की स्पीड में चलाते होगे? हाँ भैया, हम जो है अपनी बसंती को 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में दौड़ाते। हाँ भैया, मेरी बसंती 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में दौड़ती है। सपोज मेरी बसंती जो है ये 2 घंटे चली। कितने घंटे चली? 2 घंटे चली। अच्छा, जब आपकी बसंती 2 घंटे चलेगी, उस कंडीशन में मुझे ये बताओगे कि आखिर आपकी जो बसंती है वो कितना डिस्टेंस तय की? मतलब आपके पास समय दिया हुआ है? हाँ भैया, मेरे पास तो समय दिया हुआ है और मेरी बसंती का चाल मुझे पता है। इस चाल को हम बढ़ा भी सकते और घटा भी सकते, लेकिन 60 आपने कहा तो मैं 60 पर ही चलाऊंगा, आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए नवीन जी, आप जो है अगर आप 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपनी बसंती को चला रहे हो और 2 घंटे तक कंटिन्यू इसी स्पीड से अगर आप अपनी बसंती को चलाते हो, तो बताओ आखिर डिस्टेंस क्या निकलेगा? भैया, हम पहले जब बहुत पहले थे ना, जब हम क्लास 5 में पढ़ा करते थे, तब ही हमारे प्रिय सर जी हमको एक प्यारा सा फॉर्मूला बताया कि जब हम लोग चाल भैया को और समय को जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, किसको किसको, जब हम लोग चाल और समय को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा दूरी के बराबर होगा। इसका मतलब भैया, हमसे आप दूरी पूछ रहे? पूछिए दूरी। मतलब जब हम लोग 60 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि भैया मेरा डिस्टेंस जो निकला वो डिस्टेंस हमारा क्या निकला, 120 किलोमीटर। क्या निकला? 120 किलोमीटर। कैसे निकला? 60 और 2 का मल्टीप्लाई करो, घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर। हाँ भैया, ये तो हम समझ गए। एक और क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जो है इस बाइक को 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है इसको आधे घंटे तक चलाते हैं, कितने घंटे तक? भैया, आधे घंटे तक ही मैं चलाऊंगा बाइक को। अच्छा ठीक है, हम लोग आधे घंटे तक ही बाइक चलाते हैं। हाँ भैया, ये तो समझ में आया, तो हमारा डिस्टेंस क्या निकलेगा? क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता, दूरी बराबर होता चाल गुना समय। यहाँ पर चाल है 60, मतलब 60 चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब बटे घंटा।
ठीक, अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करेंगे। डिटेल क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। हाँ भैया 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर। कितने घंटे में 60 किलोमीटर? एक घंटे में 60 किलोमीटर। अब इसे चाल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो चाल में हम मल्टीप्लाई करेंगे समय से। तो हम लोग समय से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन समय हमारे पास आधे घंटे का है। यहाँ पर आधे घंटे का समय ले लिए। अब भैया किलोमीटर घंटा, यहाँ पे भी घंटा, दोनों कैंसिल हो गया। बस घंटा और घंटा जो भी सेम होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ अगर घंटा है तो यहाँ पे भी घंटा होना चाहिए, अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट, मतलब दोनों को आपको सेम रखना होगा चाहे आपको जो करना पड़े। हाँ भैया ठीक है, हम वो संभाल लेंगे। क्या करना है पहले ये मुझे बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। अभी देखिए यहाँ कट गया ये, और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, लेकिन ये आपका बहुत गलती होता। अगर 60/1 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, आप कब, मतलब आप काफ़ी बार ये करते हो, इस 2 और 60 को मल्टीप्लाई कर देते हो, और ये ऊपर नीचे है, इस बटे के ऊपर है ये 60 और इस बटे के नीचे है ये 2। जब ऊपर आदमी और नीचे वाला आदमी कभी भी एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, वो हमेशा जब भी होगा सिंप्लीफाई होगा, मतलब वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 नीचे है और 60 ऊपर है, इसका मतलब ये आपस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में 60, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर 30 हुआ, मतलब 30 है, इसका मतलब 30 किलोमीटर आप चलोगे। आइडिया थोड़ा चेंज, अरे मिटाने वाला ना का, अच्छा कोई बात नहीं, इसी से काम चलेगा। अब आइडिया थोड़ा चेंज क्या करिए भैया, कौन सा आइडिया चेंज कर रहे हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घंटा लेंगे, अब हम लोग चलाएंगे बाइक को 50 मिनट। भैया ये क्या कह दिया, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना, लेकिन दिया हुआ है 50 मिनट। अब हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, हमको तो नहीं आता ना, क्यों, हमको तो बस यही आता कि डिस्टेंस निकालते जब हम लोग चाल में समय से मल्टीप्लाई करेंगे। समय हमको दे दिए 50 मिनट, अब क्या करें, बस इसको आपको चेंज कर देना, इस भैया को यहाँ से हटा करके यहाँ पर आपको 50 लेते आना। अब यहाँ पर 50 मिनट आ गया, लेकिन ये घंटा और ये मिनट आपस में तो मिल नहीं रहा, दोनों का चेहरा तो नहीं मिल रहा। हाँ भैया दोनों का चेहरा नहीं मिल रहा, अब करें तो करें क्या, समझ में आवत ना है। हम ये जानत हैं कि अगर हमारे पास कोई राशि मिनट में दी होती है, जैसे ये आपको पता है ना कि कोई भी राशि अगर मिनट में दी हुई है, तो उसमें हम लोग जैसे ही, जैसे 120 मिनट दिया हो, अब इस मिनट को हमको घंटे में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। हमको पता है हमारे जो प्यारी से घड़ी है ना, जो मिनट वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार चलती तो वो 60 मिनट का दायरा तय करती है। हाँ भैया 60 मिनट का दायरा तय, मतलब 60 मिनट के बाद 1 घंटे हो जाता, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। हाँ भैया जी ये तो हम बात समझ गए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता, लेकिन यहाँ पर 120 मिनट की बात है, इसका मतलब इसको फिर से चक्री चलना चाहेंगे, मतलब ये फिर से वापस आएगा तो 2 घंटा हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना, हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम लोग इसमें 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग का घंटे में चेंज हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मिनट को या तो घंटे में चेंज करो या तो घंटे को मिनट में चेंज करो, दोनों में से कोई एक काम करो। भैया जिस क्यों कर रहे हैं, अगर घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगा। हाँ भैया हाँ ये तो बात भैया आप सही कह रहे हैं, ठीक है हम करते हैं, मैं इसको 2-3 तरीके से बनाऊंगा, आप घबराना मत, ठीक। हम इस मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं तत्काल, चलिए 50/60 किए, ये घंटे में चेंज हो गया, घंटे में चेंज हो गया भैया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भैया है 60/1, लेकिन राशि लिखिए, यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ ऊपर में, यहाँ पर घंटा दिया हुआ, अब इस घंटे से घंटा कटेगा, बचा सिर्फ किलोमीटर, अब तो डिस्टेंस निकलेगा। हाँ भैया डिस्टेंस तो निकलेगा, इस 60 से ये 60 कट गया, बचा कितना 50, इसका मतलब 50 किलोमीटर चलेगी गाड़ी हमारी, हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी। हाँ जी हमारी गाड़ी
50 किलोमीटर चलेंगे। पहले मैं एक कपड़ा ले लूँ पोछने के लिए, किसी कागज से ठीक से नहीं पोछाता। अच्छा जी चलो इसी से काम चला लेना है, हटाओ इसको। हाँ जी आपको यहाँ ध्यान देना होगा, आप मुझे अब बताओगे क्या बताओगे। अब देखो अब यहाँ से खुद आपको सॉल्व करना है, अगर यहाँ से आप खुद सॉल्व करना सीख जाओगे ना इस तरह का सवाल, जो भी आपका बेसिक कमजोर है टन टनाटन हो जाएगा। चलिए भैया हम अब खुद से सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे ये बताओगे क्या बताओगे मुझे, अगर यहाँ पर समझना 15 मिनट दिया हुआ है समय, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 मिनट आपके पास समय दिया हुआ, अब समय है 15 मिनट, आपको डिस्टेंस निकालना है, आप क्या करोगे। भैया मुझे पता है चाल में समय का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पहुँच करके अपना सॉल्व करो, मैं कर रहा हूँ सब, चाल में समय का मल्टीप्लाई, चाल आपका 60 किलोमीटर पर घंटा है, 60 किलोमीटर पर घंटा चाल हुआ। अब इस बटे घंटे को हम लोग नीचे कर देते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। एक घंटा हो गया, अब समय है 15 मिनट, समय है मेरा 15 मिनट। भैया एक हम काम करते हैं कि घंटे को समझना, अब इसको चेंज करें, जैसे यहाँ पर मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए थे, जैसे ही घंटे को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो गुना 60 कर दे, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दे। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, अब घंटे को मिनट में चेंज करना, अब यहाँ पर घंटा जब मिनट में चेंज होगा तो एक घंटा 60 मिनट के बराबर होता, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले में यहाँ एक घंटा है, इसमें जैसे ही हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये घंटा आपका चेंज हो करके मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया और यहाँ पहले से 15 मिनट है जो कि चेहरा मिलेगा, चेहरा मिला, और यहाँ ऊपर पे 60 किलोमीटर है। आप बोलोगे भैया इस 15 के नीचे क्या है, एक है, अब कटा दे क्या। देखो ये बटे के नीचे में है, यहाँ बटे के ऊपर में, ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में कट सकता, इसको ध्यान में रखना, आप मल्टीप्लाई मत कर देना, मैं दूसरी बार आपको बोल रहा हूँ ठीक। अब यहाँ पर ये मिनट और मिनट कैंसिल, अब 15 का पहाड़े में 60 चार बार में आता, 15 चौके 60। अब यहाँ पर इस 4 से भी इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 15 किलोमीटर आपका हो जाएगा। बताइए इसका मतलब 15 मिनट में कितना किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, 15 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। वाह मजा आ गया ना। एक और आप बनाओगे भैया, अगर 10 मिनट का समय रहे तो क्या करेंगे, 10 मिनट का समय रहे तो क्या करेंगे, इसको जल्दी बनाओ ठीक। बनाओगे तब आगे देखना, भैया 10 मिनट का समय रहेगा तो क्या करेंगे ना जी, अगर 10 मिनट का समय रहेगा तो हम करेंगे तो करेंगे क्या, उसको समझना है, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चाल में हम लोग सिंपल सा इस समय से मल्टीप्लाई करना, चाल क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, अब पर घंटा मतलब नीचे आ गया। हाँ भैया समय है हमारा 10 मिनट, समय है हमारा 10 मिनट, अब या तो मिनट को घंटे में चेंज करो या तो घंटे को मिनट में चेंज करो, दोनों में से कोई एक काम करना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं इस बार कुछ अजीब करते, मतलब इस घंटे को मिनट में चेंज कर लेते। अब 60 किलोमीटर पर घंटा दे दिया गया, इसको कर देते हम लोग 60, मतलब एक घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में चेंज हो गया, यहाँ 10 मिनट, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह, ये कैंसिल 10 छक्के 60, इससे कैंसिल, मतलब यहाँ 10 किलोमीटर निकल गया। इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। हाँ जी अब यहाँ पर आइडिया थोड़ा चेंज, ये लास्ट है ठीक, अब यहाँ से आप इसके माही मतलब धुरंधर बन जाओगे। किसके धुरंधर बन जाओगे, एक कपड़ा लेना ही पड़ेगा, ये बोर्ड को सही से साफ नहीं कर पा रहा आगे, अब मैं चाल ही चेंज कर दूंगा, हमारी बसंती की चाल चेंज हो रही है तो होगी चेंज। अब चेंज करके अपनी बसंती की चाल जो है हम लोग क्या कर ले अपनी बसंती की चाल। भैया आप कुछ ऐसा रखिए बसंती की चाल जो अच्छा लगे दिखने में, मतलब अब हम लोग की बसंती की चाल जो है ना 90 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में हमारी बसंती 90 मीटर चल जाती है। अरे भैया हमारी बसंती तो बहुत तेज है, अच्छा अच्छी बात है ना, तो हमारी बसंती 1 सेकेंड में 90 मीटर जाती है, हमको बताना है 10 मिनट में कितना जाएगी। भैया
लगता है परेशानी बढ़ गई। कुछ परेशानी नहीं बढ़ी, यहाँ देखो बस आपको ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, वरना रूल देखो, रूल को समझना है और ऐसा नहीं कि बिना समझे बस अप्लाई कर देना, वो काम नहीं करना है हम लोग को समझना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैथ में हमेशा क्यों का सवाल पूछो, तब तो समझ पाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ समझना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर बहुत प्यारी से बात पूछी गई, हमको डिस्टेंस बताना, अगर समय 10 मिनट दिया हुआ है और चाल जो है 90 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए चाल भैया में समय भैया से मल्टीप्लाई करते, तो 90 मीटर पर सेकंड गुना करेंगे 10 मिनट, भैया ये पर सेकंड आपका नीचे आ सकता, तो इसको हम लोग बटे सेकंड से नीचे 1 सेकंड लिख सकते। हाँ भैया 1 सेकंड लिख सकते। अब बात यहाँ पर ये आया, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, हम जानते हैं इसके नीचे एक छिपा हुआ, ये बटे से ऊपर, ये बटे के नीचे, ये दोनों आपस में कटेगा, कटेगा तो कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा, उधर मिनट है इसको सेकंड, मतलब या तो इसको मिनट में चेंज करो या तो इसको सेकंड में चेंज करो, कुछ तो करो, बिना किए तो होगा नहीं। अब भैया करे तो करे क्या, समझ में आवत ना है। अरे मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में गुना करेंगे 60 से, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 10 मिनट, जैसे 10 में 60 से मल्टीप्लाई तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा, बटे 1, इधर क्या है 1 सेकंड है, यहाँ 90 मीटर तो 90 मीटर लिख दिए भैया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस सेकंड से ये सेकंड चचा चले गए, अब बचा क्या, कुछ नहीं, उपाय बचा आपका इधर 600, इधर बचा 90 मल्टीप्लाई और 9 के 54 हो गया, इतना आपका मीटर निकल गया भाई साहब 10 मिनट में। इतना डिस्टेंस तय होगा, आपकी धनु तो अच्छा तेज चलती है। चलो जी अब हम लोग बातों को समझेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओगे, आपके सामने जो आप रटते आ रहे हैं, क्या रटते आ रहे हो, कि अगर समझना इस चीज़ को आप समझ ही लो, अब समझ रहे हैं तो अच्छे से समझेंगे, क्या अच्छे से हर चीज़ को समझना है, लेकिन कुछ तेजी भी रखना है ना, ऐसा नहीं कि चल रहे वो काम नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना है आपको ये बताना कि अगर मेरा चाल जो है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको हमको जो है किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो क्या करना होगा भैया, क्या करें, मतलब 1 मीटर ऊपर में दिया हुआ है, 1 सेकंड नीचे में दिया हुआ है, करें तो करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि अगर इसी को कन्वर्ट करना होगा, अगर किलोमीटर पर घंटे को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो करें तो करें क्या भैया, पहले इसको समझेंगे, ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ जी तो कैसे समझना है बोले, हम जाना था 1 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर घंटा मतलब इसको नीचे ला सकते हैं, चलिए आप ऊपर में कहा कीजिएगा नीचे आइए, पर घंटा। अब हम लोग जानते हैं इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना और घंटे को सेकंड में चेंज करना। भैया हमें आपने बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता, भैया रुकिए 2 मिनट सोच रहे हैं हम, भैया होता है 1000 मीटर और हाँ भैया ये हमको पता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता भैया, रुकिए भैया हम गुना करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 × 60 3600 सेकंड, वाह आप तो ग्रेट हो, अच्छा आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही। इसका मतलब 1 किलोमीटर को हम लोग जैसे ही मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग प्यारा सा काम करेंगे, हम लोग जानते कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, तो यहाँ पर आप 1000 मीटर लगा दोगे, 1 घंटे मतलब 1 घंटे को का ही भैया कर रहे हो, इसको वो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो किसे क्या करना होगा, 3600, अभी तो हम लोग सॉल्व किए 6×6=36 है, 2 × 0 लगा दें 3600, वाह सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ, लेकिन इसको सिंपलीफाई करेंगे, आज एक रूल बताते हैं, 2 × 0 2 × 0 कैंसिल, यहाँ से 2×5=10 18, मतलब 5/18, इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोमीटर पर घंटा
में बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 2 किलोमीटर पर घंटा क्या होगा भैया? हम जानते एक आदमी का दाम है 5/18, तो दो आदमी का दाम। अच्छा आंसर, एक कलम का दाम है 5/18 रुपया, तो 2 कलम का दाम भैया 2×5/18 रुपया। अच्छा 3 कलम का दाम भैया 3×5/18 रुपया। अच्छा 4 कलम का 4×5/18 रुपया। अच्छा यहाँ पर क्या होगा 2 किलोमीटर पर घंटे का, तो 1 किलोमीटर पर घंटे में 5/18, 1 में 5/18, तो 2 में हमारा 2×5/18। वाह समझ में आ गया। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, हमको ध्यान में रखना किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, अपने दिमाग के किसी छोटे से कोने में जो कि है आपके दिमाग में कि ना है, है। अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक है, अपनी शक्तियों को पहचानो। अभी किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग गुना करते 5/18 से गुना करते। हाँ भैया ठीक, और यहाँ पर क्या करें, इसमें भी बताना होगा। अरे उल्टा काम कर देना, और क्या 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर 5/18 से भाग कर देना, दो में से कोई एक काम करना। मतलब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ भैया ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आया या ना आया, आ गया। अब यहाँ पर ये बातें मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए ये सब तो बेसिक था जो कि हमको हमेशा ध्यान में रखना कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से समझो, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए, देखो मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना। अब मीटर होता है क्या, मीटर क्या होता है, जिसे समझना है। कैसे समझोगे आप, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब क्या आगे समझाओ, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बातें समझ में आ गई? हाँ भैया, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। चलो इसको मैं मिटा दूँ। चलिए ये हम लोग का सत्यानाश मतलब हो चुका है, हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, क्या डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे सपोज ये आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बताओ 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय होगा। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय होगा भैया? भैया रुकिए, अब हम अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाएंगे। कौन सा दिमाग? साइंटिस्ट का दिमाग। देखिए आपने पूछा 2 घंटे में, अरे आप खुद कर रहे हो ना, या फिर सिर्फ देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, अपने से करो, फिर देखना है आपको। हाँ समय हो गया 2 घंटा, अब डिस्टेंस निकालना भैया। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, तो 90 मीटर पर सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 घंटे के साथ में। और मुझे पता है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 90 मीटर पर सेकेंड मतलब 90 मीटर/1 सेकेंड। या तो इस घंटे को आप जो है सेकेंड में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटे में 3600 × 2 7200 सेकेंड। वाह वाह, आप तो अच्छे मैथमेटिशियन लग रहे हो, बहुत सही। इसी तरह तरक्की करते रहो आप, ठीक। मल्टीप्लाई अच्छे से करना है आपको। अब यहाँ देखो, या तो इस घंटे को आप सेकेंड में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप सेकेंड में चेंज कर सकते हो। यहाँ सेकेंड सेकेंड कैंसिल, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और एक क्या कर सकते, यहाँ घंटा दिया हुआ, इसी को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। एक और तरीका भैया, कितना तरीका बताते हैं, हमको यही समझ में आया, फिर भी सीख लो। अभी जो ये सीखे हम लोग 5/18 क्या क्या सीखे, उसी को सॉल्व करना सीखेंगे, कर ले। अच्छा कर देते हैं, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड को क्या करेंगे भैया, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ये हमारा किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 18/5 ना यार, अब क्या होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 5 अब हो गया 4, 5 × 8 = 40। 18 क्या होता भैया, 18 का वर्ग क्या होता,
324 होता है, 324 होता है, मल्टीप्लाई कर ले। हाँ 324 होता है, वाह अच्छा, चलो ठीक। 324 क्या हो गया आपका, 324 इधर आपका है 2 घंटा, ये भी तो है, इसको भूल मत जाना, भूल मत जाना नवीन जी, भूल मत जाना। अब इस घंटे से घंटा कैंसिल, अब 324 का मल्टीप्लाई 2 से कितना, सॉल्यूशन हमसे करवाओगे, सॉल्यूशन करो। 2 × 8, 2 × 4, 2 × 3 = 6 किलोमीटर। चलो जी, इसका मतलब हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आप सिंपल मेथड भी यूज करते हैं। अब मतलब हमको समझ में आ गया कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन यही रख लेते तो हम सॉल्यूशन फिर से करेंगे, नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। 648 निकला हुआ, ठीक। अब आपको ये बताना, सपोज आपके पहिए का जो है ना त्रिज्या जो है वो है 7 मीटर, क्या है 7 मीटर। अच्छा भैया 7 मीटर त्रिज्या है, ठीक, बातें समझ में आई। नहीं नहीं मैं फिर से करवाऊंगा, चिंता मैं फिर से करवाऊंगा। हाँ विक्की भैया फिर से करवाएंगे। अब यहाँ आप ध्यान दोगे, हमको ये बताना कि हमारी बाइक की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड, ये 2 घंटे तक बड़ी तेज रफ्तार में चलती है। हम और आप, ये आप कहाँ से, ये मैं हूँ ना, हम और आप दोनों चल रहे हैं मस्ती से। अब क्या होगा, 90 मीटर पर सेकेंड बहुत तेज गति से चल रहे हैं हम लोग और 2 घंटे तक चले। अब मुझे बताना हमारी जो मतलब हमारा जो पहिया है, हमारा पहिया, अच्छा आपके बसंती का जो पहिया है वो आखिर कितना बार घूमा है। अब उसकी रफ्तार को पहचानना, मतलब जो आपका पहिया है ये कितने बार रोटेट कर रहा उसको पहचानना। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझना, बात को समझना है। पहले हम लोग, मेरा पहला काम होगा पहले एम को समझ लेते हैं, हम लोग का लक्ष्य क्या होने वाला है, ये अपने लक्ष्य ही बता दीजिएगा, सुन तो लो सुनने में क्या हल जाए। मेरा पहला काम करना है, हमको चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, उसके अनुसार हम दूरी निकाल लेंगे। मेरा पहला काम हो गया दूरी। दूरी निकालने के बाद दूरी कैसे निकालेंगे, चाल और समय के मिलाप से। उसके बाद दूरी निकालने के बाद हमको जो है पहिए का, आखिर ये पहिया जो है, यूँ हमारा पहिया है, अब इस पहिए का यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ पर जमीन से सटता है ये पहिया, ठीक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस कितना होता है पहिया, मतलब एक बार घूमने के बाद, कैसे मैं बताऊँ, है ना, एक बार ये घूमने के बाद इसका कितना एरिया सड़क को कवर कर रहा, समझ रहे हो, कितना एरिया सड़क को कवर कर रहा वो डिस्टेंस हमको निकालना। इसका मतलब हमको इसका परिधि निकालना, हाँ भैया परिधि निकाल, ठीक, इसका परिधि निकाल लिए, परिधि निकाल लिए। सपोज कल्पना करना आता है, इसका परिधि निकल गया 44, परिधि कितना निकला 44 मीटर निकल गया, ठीक, इसका परिधि 44 मीटर निकल गया, ठीक है भैया। और जी ये रोड चल रहा था, बड़ी स्पीड से जो रोड चल रहा था, हम यहाँ तक पहुँचे, इस घर तक हम जो पहुँचे, यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस कितना है भैया, यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस हम लोग का निकल गया है, मानिए ना, मानने का जाता 90, रुकिए, हाँ 99 100 मीटर निकल गया। हाँ भैया निकाल तो लिए, फिर से समझो, ये हमारा वृत्त था जिसकी परिधि हम लोग निकाल लें और डिस्टेंस भी निकाल लें। अगर अपने एम के तहत अगर हम डिस्टेंस निकाल लें और परिधि भी निकाल लें तो कितना बार पहिया घूमेगा वो बताना, ठीक। अगर ये डिस्टेंस, समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9900 मीटर है और पहिया एक बार घूमता है तो 44 मीटर दूरी तय करता है, मतलब यहाँ तक दूरी तय करता है, कब, जब पहिया एक बार घूमेगा, पहिया जब एक बार घूमेगा तो आपका 44 मीटर दूरी तय करेगा। तो 9900 मीटर कितने बार घूम के दूरी तय करेगा,
जैसे समझना है आपको, समझो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक बंडल, समझना, एक बंडल मार्कर का कीमत है, समझो, एक बंडल मार्कर का कीमत है 500 रुपये। अगर एक मार्कर 50 रुपये में आता, एक पूरा बंडल इसका कीमत है 500 रुपये। अगर एक वो मार्कर 50 रुपये में आता, इसमें कितना मार्कर होगा, तो आप क्या करोगे, इसे 50 रुपये से इस 500 रुपये में डिवाइड करोगे, तो मेरा 10 निकल जाएगा। इसका मतलब इस बंडल में 10 मार्कर आएंगे। ठीक, सेम वही बात, अगर एक बार घूमने में 44 मीटर लगाता, तो 9900 मीटर कितने बार में घूमेगा, तो भैया कितने चक्कर में घूमेगा, तो इस मीटर से मतलब 44 से हम लोग 9900 में डिवाइड कर देंगे, तो 9900 में हम लोग 44 से डिवाइड कर रहे हैं, और 11 × 44 = 99 4 × 8 4 × 8 = 25 बार चक्कर लगाएगा हमारा पहिया, तो हम लोग का एम क्या होने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे भैया, डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद परिधि निकालने वाले, परिधि भी निकाल लेंगे, उसके बाद चक्कर निकाल लेंगे। चक्कर कैसे निकालेंगे भैया, चक्कर निकालने के लिए जो दूरी है हम लोग का, उस दूरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे इस परिधि से। जैसे ही हम लोग दूरी में परिधि से डिवाइड करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा कितना चक्कर लगावट है। बातें समझ में आई? इस तरह के सवाल में हम लोग पहले दूरी निकालेंगे, निकाल लीजिए, परिधि निकालेंगे, निकाल लीजिए, फिर चक्कर निकाल लेंगे। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए बस हम लोग अपनी बसंती को रखने वाले और सब कुछ मिटा देंगे। अरे बसंती भी चले गई, रोना मत, कुछ नहीं करेंगे। अब आपको बनाना है, कैसे कैसे क्या करना, सुनो। ये हमारी बसंती का पहिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। इस बसंती का जो चक्कर है, मतलब बसंती का जो चाल है, वो है हमारा 90 किलोमीटर पर घंटा। हम जो है 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, हमको 15 मिनट जाना है मात्र, हम लोग 15 मिनट गए, ठीक। तो हमको ये बताना है, हम लोग को दिया हुआ क्या है, पहले इसको समझो, हम लोग को दिया हुआ है चाल, दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा, चाल दिया हुआ है। उसके बाद समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, समय दिया, समय कितना दिया हुआ 15 मिनट, और चाल कितना दिया हुआ भैया 90 किलोमीटर पर घंटा चाल दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है हमारा बसंती का चक्का है, पहिया है, वो कितना चक्कर लगाता है, ये हमको निकालना है। और हम अपनी बसंती का मतलब बसंती के रफ्तार को निकाल सकते हैं, हम उसके चक्कर को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम और हमारी बसंती, समझिए भैया। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना, पहला काम करना है दूरी निकालना। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, पहला काम क्या है, दूरी निकालना, दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल, यहाँ लिखना है फिर से, चाल बराबर पहिए की चाल बराबर, अच्छे से जानते हो आप में सबसे बड़ी क्या होंगे, पहिए की, आप ही भाषा नहीं लिखते हो, इसी कारण मुझे भाषा लिखना पड़ रहा है। अरे मैंने गलती लिख दिया क्या, ठीक है, पहिए की चाल बराबर क्या है, पहिए की चाल सीधा मैं यहाँ लिखूंगा, अच्छा लिखो, पहिए के लिए चाल क्या है, चाल है 90 किलोमीटर, और समय कितना है भैया, समय है हम लोग का 15 मिनट। तो हम लोग यहाँ से दूरी निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे भैया, दूरी निकालेंगे चाल में, जब हम लोग समय से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, इसे चाल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 90 किलोमीटर पर घंटा है छोटे, तो बातों को समझना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना, और सॉल्व पता है कौन करोगे, आप करोगे, हाँ जी, पहिए का काम कर लेंगे। पहिए का काम करने के बाद हम लोग का दूरी निकल जाएगा, अब हम लोग को परिधि निकालना, तो चलो पहिए के लिए परिधि निकालते हैं, ठीक। अब परिधि निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल परिधि के लिए हम लोग त्रिज्या तो यहाँ निकालते हैं, तो परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या होता, परिधि सी बराबर क्या होता भैया, हम लोग जानते क्या होता, 2πr होता,
आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ, तो भैया त्रिज्या दिया हुआ, हम दे देते त्रिज्या। भैया क्वेश्चन बाद में भी आप एडिट करते हो, छूट गया तो बाद में भी दे दोगे? भैया एक बार दिया कीजिए। यहाँ ध्यान दो, त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, कितना दिया हुआ 7 मीटर। देखो याद रखना, ध्यान में रखना, बस कहाँ पर कंफ्यूजन आएगा मुझे पता है, ठीक। अब आप कहाँ कंफ्यूज करोगे मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, देखता हूँ आप गलती करते हो कि नहीं करते, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं देखूंगा जब आप सॉल्व करके मेरे पास कॉपी लेके आओगे ना, मैं पहले वही गलती देखूंगा। हाँ हाँ, यहाँ पर आपने गलती, आप गलती करके आओ। अरे गलती मत करना, मुझे उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे। यहाँ देखो, हाँ 2πr 2 × π का वैल्यू 22/7, अगर कुछ नहीं कहा गया तो 22/7, अगर कहा गया है 3.14 लेना तो ध्यान रखना इस बात पे, ठीक। अगेन r का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 है ना, हाँ 7 मीटर, कैंसिल 44 मीटर। चलो परिधि निकल गया, चक्कर निकाल गया, तो चक्कर की संख्या, भैया चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या निकालते हैं हम लोग, क्या करके निकालते हम लोग, दूरी में, दूरी में बहुत दूर से आए हैं, अब परिधि निकालेंगे, दूरी में हम लोग परिधि से डिवाइड करेंगे, दूरी कितना है भैया, नहीं निकला दूरी, अब पहले दूरी निकाल लेते, इतना सॉल्व किए चक्कर की संख्या निकल जाता, मुझे पता है इसके सॉल्यूशन में आपसे कहीं ना कहीं गलती होने वाला, कहाँ गलती होने वाला सुन लो, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ निकला 44 मीटर, आप इसको सॉल्व कर देता, मुझे पता है, एक काम बिना देखे सॉल्व करो, तो पहले दिखाओ सॉल्व करके, उसके बाद आप देखना, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखो, मिला, आपने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से मिलाना है 90 किलोमीटर पर घंटा, इसको सॉल्व करेंगे, 90 किलोमीटर ऊपर, घंटा नीचे, ठीक, घंटा नीचे आ गया। अब इस घंटे को मिनट में चेंज करना, और किलोमीटर को क्या करें, किलोमीटर में ही रहने दें, तो आप सोचोगे भैया यहाँ मीटर में दिया हुआ और यहाँ किलोमीटर निकला हुआ, कुछ तो लोचा है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब 90 किलोमीटर और घंटा, इस दोनों को चेंज करना, अब सोचना है क्या करें, इस घंटे को मिनट में चेंज कर लेते या मिनट को घंटे में चेंज कर लो, तो भैया हम घंटे को मिनट में चेंज करते, तो एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 60, ये आपका मिनट में चेंज हो गया, यहाँ 15 मिनट पहले से है, क्या इसको भी चेंज करना, चेंज करो तो ठीक, नहीं करो तो हम लोग यहाँ डिवाइड में चेंज करें, हम लोग डिवाइड में चेंज करें, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, तो 90, थोड़ा सा मैं आपको और परेशान करूँगा, और परेशान, ठीक। इस मिनट से ये मिनट कैंसिल हो गया, अब 15 × 60, 4 × 8, और भैया ये क्या हुआ, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 5, 45/2 निकला, 45/2 किलोमीटर निकला। चलिए अब क्या करना, दूरी निकला है मेरा 45/2 किलोमीटर, दूरी है 45/2 किलोमीटर, हाँ भैया यहाँ से निकल गया, बड़का बटे, बहुत बड़ा बटे, इस बड़ा बटे के सामने बराबर देना, याद रखना, इसके नीचे क्या है, परिधि है, परिधि कितना है, 44 मीटर परिधि है, यहाँ किलोमीटर, यहाँ मीटर, कुछ तो लोचा है, अब क्या करेंगे, इसको या तो मीटर बनाओ या तो मीटर को किलोमीटर बनाओ, हम लोग जानते हैं किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को दोनों लेके चलेंगे, किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। अब यहाँ किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, 1000 से मल्टीप्लाई, जैसे ही इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, अब 2 से कट गया, 2 × 5, 10, 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45, इसको सॉल्व क्यों करना, क्यों करेंगे सॉल्व, पहले इसको सिंप्लीफाई, देखो मैं सॉल्व कर देता, तो यहाँ पर 45 × 500 अब बटे 44, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, जो निकलेगा वो चक्कर की संख्या निकलेगी, हो जाएगा ना, करना है आपको, करके दिखाना है, ठीक है। चलिए
इस तरह आपको इस तरह के सवाल को बनाना। बताओ तो कितना हलवा सवाल है। हाँ, अगर आपको ये पता होता ना, आप उसी वक्त घर से बना के मतलब आप लाते। चलो, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने वाला, और सुन लो, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा सुनो सुनो, आज नहीं, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग कुछ बनाने के लिए ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगले वीडियो में अच्छे नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो कुछ बनाने के लिए आप ले लो, बनाओ इसको। तो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, इसको मिटा दूँ, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। देखो, भाषा के साथ मैंने लिखा है, अब भाषा में कटौती नहीं करना आपको। चलिए, रहन दो इसको, ऊपर वाले को। और यहाँ पर चेंज करना है, पहला क्वेश्चन आपको करना है क्या, यहाँ पर 90 किलोमीटर है, इसको करो 17 मीटर, 17 नहीं करो, इसको करो 14 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी 14 मीटर करो, और सब कुछ ठीक है। इसको आपको करना है भैया क्या कर दे, इसको 2 घंटे करो, और चक्कर की संख्या निकाल ली, देख लो सब कुछ सेम है, इसको सिर्फ चेंज करना, बाकी आपको करना है। चाल कितना दिया हुआ, 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, और समय कितना दिया हुआ, 2 घंटा दिया हुआ, त्रिज्या कितना दिया, 14 मीटर दिया हुआ। तो चक्कर की संख्या निकाल ली। और एक क्वेश्चन आपको बनाना है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और आप ले लो, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन सुन लो, एक फॉर्मूले भी याद करने हैं, तो अंतिम तक फॉर्मूले को भी देख लेना, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसमें जो है आप क्या सीधा सा 12.1 निकालोगे, और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके लीजिए भैया, ठीक। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को हल्दी हल्दी से बनाओ, उसके बाद हम लोग को कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं उसको भी देखो। तो पहला चीज आपको ये समझना, आपने कभी बर्थडे उड्डे मनाया है? हाँ भैया, बर्थडे तो मनाए हैं। चलिए आज केक भी काट लेते हैं, काटना है केक, चलिए काटते हैं। लेकिन हाँ, केक काटोगे मैथमेटिकल दिमाग को लगा करके। चलिए बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू नवीन। अब ये सर्कल हम लोग बना लिए, अब क्या करना, इसको कट करना। अब आपने मैथ पढ़ा हुआ है, अब जैसे ही आप चाकू लेकर के तैयार, भैया बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हम केक को काटेंगे, हम हैप्पी बर्थडे टू यू बोले पहले। केक को काटने से पहले बताओ सेंटर कहाँ पे है? भैया केक भी नहीं काटने देते, सेंटर कहाँ है? दीजिए यहाँ सेंटर है। अच्छा ठीक, त्रिज्या कौन है इसका? भैया अभी आपको मैथ पढ़ा हुआ है, हमको हैप्पी बर्थडे मनाना है ना। अच्छा बताते, इसका त्रिज्या है ये, ठीक। और कुछ पूछना, एक और त्रिज्या है, एक और त्रिज्या तब ना केक कटेगा। अरे भैया ऐसा बात था, ठीक है, मुझे लगा जो छोटा ऐसा होगा वो आपको खाना है, छोटा ऐसा है, रुकिए, छोटा ऐसा किसको खाना वैसे, आपको या मुझे? अच्छा भैया आप ही खा लीजिएगा छोटा सा, इसी ऊपर चला दे फिर से क्या, अच्छे से काटो। चलिए भैया ये हो गया एक छोटा सा हिस्सा, अच्छा मैं ही खा लेता हूँ, आप इसमें से कोई टुकड़ा खा लीजिएगा। चलिए इसको हमने कट कर दिया, अब ध्यान दोगे यहाँ पर एक बार त्रिज्या यहाँ चला, एक त्रिज्या यहाँ चला, इससे ये वृत्त 2 भाग में बट गया, एक इस तरह वृत्त नहीं केक है, एक इस तरह का भाग बटा, हाँ भैया एक इस तरह का भाग बटा, दिख रहा आप, ये ऊपर वाला भाग बचा, ये नीचे वाला भाग बचा, अधिक मतलब दीर्घ है, ये कम है मतलब लघु, लघु मतलब छोटा हो, तो लघु है, छोटे छोटे लोगों को लघु टुकड़ा ही खाना चाहिए, तो ये लघु आप खा सकते हो नवीन जी, और ये दीर्घ बांट सकते हो, अगर हो सके भैया को भी खिला सकते हो, मैं खा लूँगा, बुरा नहीं मानूंगा। अब सुनो, अब चूंकि ये त्रिज्या, इसका नाम क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है आपका, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या के कारण ये टुकड़ा बना, तो इसको हम लोग नया नाम देंगे, त्रिज्या के कारण टुकड़ा खंड हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया त्रिज्य खंड। बोलो मेरे साथ, बोले त्रिज्य खंड भगवान।
तो इसका नाम क्या हुआ? त्रिज्यखंड। तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड हुआ। हाँ भैया, ये लघु त्रिज्यखंड हुआ और ये ऊपर में आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। हाँ जी भैया, समझ में आ गया लघु त्रिज्यखंड क्या होता, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता। इसमें से बस आपको और एक छोटी सी चीज़ें समझनी होंगे, जो एंगल यहाँ पर बनता उसको हम लोग थीटा कहते हैं। अच्छा एक बार बताओगे, आपने चांद देखा, चंदा मामा डूब के पूरे पकाए डूब के, इस चंदा में कितना डिग्री का एंगल बनता था? तो आप बोलोगे भैया 180 डिग्री का एंगल बनता था। ठीक है, एक और चंदा ले लेंगे, ओ एक और चंदा ले लिए, इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता था? इसमें भी आपका 180 डिग्री का एंगल बनता था। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? तो भैया 360 हो गया। इसका मतलब जो केंद्र पर एंगल बनता था इसमें आपका 180 डिग्री बना, और इसके केंद्र में जो एंगल बना वो बना आपका 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया 360 डिग्री का एंगल बना। तो ये जुटने के बाद एक वृत्त का निर्माण होता, इसका मतलब इसके केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा टोटल? तो 360 डिग्री का। हाँ भैया 360, और 360 में ये थीटा है। जैसे आपको समझना है भैया, कितना समझाते हैं समझो। जैसे आपने एग्जाम दिया हुआ है 70 नंबर का एग्जाम, आपको 35 मार्क्स आया, क्या बोलोगे भैया? टोटल 70 नंबर का एग्जाम था, उसमें हमको 35 मार्क्स आया, तो 35/70। सेम वही बात यहाँ पर, टोटल कितना एंगल बन रहा कौन पर? तो 360 डिग्री एंगल बन रहा, 360। और कितना एंगल यहाँ आया हुआ है? थीटा एंगल। तो ऊपर में थीटा, इसको बोल सकते थीटा बटे 360। और हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता भैया, हम याद किए थे कि C बराबर 2πr, D बराबर 2r और भैया A बराबर πr², ये हम लोग याद किए थे ना आप? हाँ जी, उसी तरह यहाँ पर ये आपका थीटा बटे 360 डिग्री हुआ। अब इसमें हम लोग πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको कॉपी में नोट करो जल्दी से, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छे से लिख, अपने आप को बोलना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल गया बोलिए? तो थीटा बटे 360 गुना πr². एक बार मैं देख लेता रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए जी हो रहा। अरे अच्छा कुछ लंबा ही वीडियो बन गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, अब हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे इसमें थीटा था, जैसे आपको 70 मार्क्स आए, मतलब 70 में अगर आपको 35 मार्क्स आए क्या बोलोगे? तो 35/70। दीर्घ त्रिज्यखंड में कितना डिग्री का एंगल बना? तो बोलोगे भैया टोटल होता 360 डिग्री, इधर थीटा है तो 360 में थीटा को घटा देंगे उतना ही एंगल ऊपर ही बनेगा। इसका मतलब इसको मार्क्स कितना आया? टोटल है 360 डिग्री, इसको मार्क्स आया है 360 - थीटा, तो 360 - थीटा हो गया। इसका मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 - थीटा / 360 × πr². इसका मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया भैया? हो गया 360 - θ/360 × πr². ये दोनों फॉर्मूले को रट लेना है। ये तो बात हुआ, अब बात करना है इस चाप की लंबाई क्या होगी, इस चाप की लंबाई। तो भैया लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो टोटल परिधि होता है 2πr, तो यहाँ पर हमको थीटा बटे 360 में 2πr से मल्टीप्लाई कर देना तो इसका चाप का लंबाई निकल जाएगा। फिर से बोला लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, भैया इसको लिख दीजिए आप, हम रटेंगे ना, ला 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 ला। चलिए जी क्या लिखना है आपको, ये क्वेश्चन को लिखना है, चलिए आपको लिखना है लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई मेरे
लखना दुलारे बोल कछ बोल पीठा बटे 360 डिग्री गुना टू पाया और दीर्घ त्रिज खंड के चाप की लंबाई क्या होगा ये होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना टू पाई आर। देखो कुछ नहीं करना, चाप पूछेगा तो टू पाई आर से मल्टीप्लाई करना है थीटा बटे 360, बस एंगल को देखना ठीक। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा देना ठीक। दीर्घ त्रिज खंड में यहाँ टोटल है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना चाप पूछ रहा है 2πr, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो πr स्क्वायर हो गया। कितना हलवा है, चलो इतना तो आपको याद होना चाहिए। और ये दो क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाओ, हो सके तो इसको याद करके भी सुना दो। याद करना आपके कौन से बायां हाथ की खाल खाल कर रहा हूँ खेल है। तो जल्दी इसको कंप्लीट करो और हम लोग आगे देखेंगे। अब जो आने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इससे आपका कम से कम एक से दो सवाल रहेंगे एग्जाम में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ठीक है। ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता भैया पूरा नहीं बताएं। अगर आपके को इस तरह काटोगे कहीं से इसे काट दोगे, एक बार काट दोगे बिना त्रिज्या का, उसको हम लोग कहते हैं ये छोटका वृत्तखंड, वृत्तखंड। अरे चितवन, और इसको कहते हैं बड़का वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, वहां पर हम लोग समद्वी मतलब समद्वी बाहु त्रिभुज उसके बारे में विशेष करके जानेंगे। सबसे हल्का टॉपिक है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ है। चलिए जी अगले 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 क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद बोलते हुए आप मुझे सारा होमवर्क बनाओ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक।